गाइस अभी हम जा रहे हैं आपके सामान लेने, सब्जी नहीं है, सब्जी वब्जी लेके आते हैं। और हमारे संग हमारा छोटू हिमांशु भी आया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हम आ चुके हैं आपके संग एक प्यारी सी वीडियो लेके। अभी तो हम हैं छत में, यहाँ पे देख सकते हो इतनी धूप में आशीष मेहरा जी साइकिल चला रहे हैं। और यहाँ न्यूट्रेला की पहरेदारी कर रहे हैं। बड़ी पहाड़ी बड़ी ककड़ी से बनती है ना, तो धूप में रखी है सुखाने के लिए। और ये इनकी यहाँ पे बंदरों से रक्षा कर रहे हैं। और कपड़े भी धो लिए हैं हम आंसू ने, आंसू भाई ने हमारे कपड़े, सारे कपड़े भी धो लिए हैं। अब बेचारा यहाँ पे साइकिल चला रहा है। देख सकते हो आप लोग, वो तो मजाक कर रहा हूँ, कपड़े ये क्या धोएगा, ये तो एक रॉकी को देखेगा वैसे। एक नया कुत्ता भी आ गया है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि यूवी खो गया है। तो देख सकते हो अम्बल के अंदर घुसा है, कहाँ है, यहाँ पे। ये हेलो आज तो मैंने अपने जूते भी धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं, देख सकते हो मुझे सब चीज़ धो लिया है मैंने जूते। और यहाँ पे हमारे मेहरा जी को शर्म लग रही है, इन्हें पता नहीं शर्म किस चीज़ की लगती है। अभी तो हम जाने लग गए हैं यहाँ ऊपर मंदिर पे, क्योंकि वहाँ पे आंसू के घर को एक सामान भेजना है। ये देख सकते हैं सामान, पोटली थैला, तो इसे दे के आते हैं। एक गाड़ी आ रही है, अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, वैसे भी धूप हो रही है 2 बजे के आसपास, वैसे भी ठंडा हो रहा है ना ठंडू के दिनों में। तो देख सकते हैं पीछे से मेहरा जी भी आ रहे हैं हमारे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पाल गधेरा, ये है वाल गधेरा। पाल गधेरा वाल गधेरा वाला सॉन्ग है यहाँ पे, रणी घुसा घुस। और ये देख सकते हैं यहाँ पे गाय चर के भी गाँव घर को जाने लग गई है। सकते हैं पहुंच तो गए हम रोड पे, पर अभी तक गाड़ी आई नहीं है, तो यहाँ पे बैठने का है नहीं। तो यहाँ पे 2-3 पिलर दिख रहे हैं, इनमें बैठ जाते फिर जब आ जाएगी फिर उसके बाद घर को चल देंगे। अभी तो इनमें बैठ जाते हैं, तब तक आप देख सकते हैं ये नजारा। तो यहाँ पे हमें हो गया है आधा घंटा, अभी भी नहीं आई है गाड़ी, पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं कहाँ है रे आंसू, बताने का कष्ट करो तो थोड़ा। पता नहीं यार, बहुत टाइम हो गया है। इस थैले को यहाँ पे रख के चल देते हैं हम, ठीक है, चल दे। तो देखते हैं, क्योंकि 2 बजे आए थे तो यहाँ पे हो गया है हमारा बहुत टाइम। तो अब आप लोग देख सकते हैं हम जाने लग गए, पर घर को नहीं, अभी तो हमें बहुत काम है। मतलब क्या काम है, ये सामान यहाँ आया नहीं गाड़ी वाला, तो दूसरे रास्ते आ रहे हो एनजीडी के, तो अब हमें एनजीडी जाना पड़ रहा है। इतनी देर यहाँ वेट की, अब पता नहीं वहाँ कितना वेट करना पड़ता है हमें। अभी तो हम एनजीडी साइड को जाने लग गए हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी आ गई थी, तो गाड़ी को सामान दे के अब घर को जाने लग गए। हमारे मेहरा जी बहुत आगे चले गए हैं, ये मंदिर के यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल टाइम नहीं मिल रहा है ना दौड़ने का, तो दौड़ भी नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है आजकल। तो यहाँ पे थोड़ा देर एक्सरसाइज कर रहे थे, आप पता नहीं कहाँ चले गए। ये हैं देख सकते हो आप लोग, पता नहीं इतनी तेज़ कहाँ जा रहे। और हम तो सामान देके भी आ गए, पर बहुत लेट में आई गाड़ी। ये हैं हमारे मेहरा जी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आपके सामान लेने, सब्जी नहीं है, सब्जी वब्जी लेके आते हैं। और हमारे संग हमारा छोटू हिमांशु भी आया है, हिमांशु भाई आयुष, वैसे उर्फ़ है हिमांशु कहते हैं इसे।
और अभी हम जा रहे हैं दुकान पे सब्जी लेने। क्या सब्जी आई है देख के आते हैं और सब्जी भी ले आएंगे। हिमांशु ने भी लानी है, हिमांशु भी ले आएगा। और आंसू मेहरा जी आज हमें नहीं रुके, पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं भी नहीं देख रहे हो इतने एरिया में। तो अभी हम ही दो हैं, आंसू तो वैसे भी गोल हो जाता है। ये हमारे शुभम भैया ऐसे कपड़े हो रहे हैं, भिखारी हो गए। कॉमेडी है, कहाँ पे है? यहाँ से नहीं आसो। ये हमारे महाराज जी हर्षित से बात कर रहे हैं। ये महाराज जी हैं, वो हर्षित है। वो हर्षित को देख सकते हो आप, वो हर्षित हाई कह रहा, शायद उसको भी बुला रहे हैं दुकान पे। यहाँ पे आलू ले लिए हमने और सब्जी भी लेते हैं हम तो। सभी यहाँ से लेते हैं, देखते हैं ठीक ठीक लगाते नहीं लगाते। हाँ, 2 किलो गोभी भी, फूल गोभी। तो अब हम लेने लग गए टमाटर। अच्छे अच्छे छाटो, ये सड़ा आ गया। उसको देखिए, ये देख, आँख देखो ना, ये आँख देखना अच्छे देख। शादी हो जाएगी तो कभी तो क्या करेगा इसे, तभी सब्जी लानी पड़ेगी। तो ऐसी सड़े ले आएगा क्या? ले लिया है जल्दी। 500 रुपये हो गए पूरे सामान के। शॉपिंग कर लिया हमने एक बैग की, देख सकते हो। अब हम ले जाते हैं इसको घर को। तो यहाँ पनीर तो मिला नहीं था, अब पनीर के लिए कोई दूसरी दुकान में जाते हैं। नहीं, मैंने चावल भी ले लिया है, अब बैग भी फुल हो गया, जैसे कि कहीं नौकरी से आ रहे हो ऐसा लगने लग गया है, देख सकते हो। और आंसू और हर्षित तो पनीर लेने गए हैं, हम तो यहाँ पे रुक गए। अब वो बताने के लिए देर में आते हैं, कदे जैसे घूमते फिरते। तो आ गए हैं ये भी, फटाफट आओ यार, फिर आप चलते हैं हम घर को।